ओके OV46 का ऐसे अपडेट जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे अपडेट के बाद जो आप लोग को चेंजिंग मिलने वाला है, जिसमें आप लोग यहाँ पे ग्रीव यार्ड पे आओगे तो यहाँ पे आप लोग को डेकोरेशन देखने को मिलेगा। और डेकोरेशन तो कुछ भी नहीं है, जो ये यहाँ पे हाउस है उसके ऊपर आप लोग को एक अलग सा ही घोस्ट देखने को मिलता है। एंड जैसा कि देख सकते हो भाई, ये अलग ही दिखता है। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी जो मैं आपको चेंजिंग बताने वाला हूँ वो और ज़्यादा अलग है। अभी चलो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर यहाँ पे सही से मतलब जैसे आप ग्रीव यार्ड आओगे तो आपको यहां पे दिखने को मिल जाता है यहां पे घोस्ट, जो कि यहां पे रोटेट भी होता है। एंड यहां पे अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहां पे आपको डेकोरेशन देखने को मिलता है। और ये चेंजिंग ग्रेना वालों ने रखा है, पता नहीं क्यों रखा है, बट यहां पे ये चेंजिंग है। ठीक है, अभी देखो इसको जितना फायर करो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ ऐसा यहां पे बनाया गया है। अब देखो यहां पे डेकोरेशन भी अलग तरह से रखा गया है। साथ में यहां पे जैसे चलते हैं अपने बढ़ते हैं अगले चेंजिंग की ओर, तो यहां पे जहां पे भी जाओगे आपको बहुत जगह मैप में स्नो देखने को मिलेगा। एंड खासकर यहां पे जैसा जहां जहां पे ये बना हुआ है, यहां पे आप लोगों को क्या करना है, जो यहां पे आप लोग को देखने को मिलता है स्नो, उसको आपको यहां पे फायर करना है। एंड ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। एंड यहां पे आप लोग देखोगे तो इसको यहां पे ब्लॉक करोगे तो फिर यहां पे दूसरा दरवाजा भी ओपन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। देखो एक अलग सा यहाँ पे इन लोगों ने शॉर्ट गन लाया है, एंड जिसका डैमेज भाई बहुत तगड़े है। अगर यहाँ पे बड़ी डैमेज तो तगड़ा है, साथ में हेयर डैमेज भाई इतनी तगड़े डैमेज है। लिटरली इसका जो एम का यहाँ पे जो आइकन होता है वो भी एकदम अलग है, और साथ में यहाँ पे जो डैमेज की बात करोगे तो वो भी तगड़ा है। मतलब यहाँ पर इन लोगों ने जो ऐसा शॉर्ट गन बनाया है, मतलब इन लोगों ने जो M87 के साथ कमाई की थी वो चीज़ यहाँ पर इन लोगों का प्लान है। तो यहाँ पर ये जान लो कि इसका जो स्किन आने वाला वो अलग लेवल पर है, क्योंकि भाई बहुत डैमेज है, देख रहे हो बहुत ज़्यादा डैमेज है। बाद में इस वेपन के साथ क्या होने वाला है वो आपको भी पता है कि इसकी एबिलिटी को बहुत चेंज होगा। साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में टीम अप का ऑप्शन मिलना है, मतलब भाई ग्रेना वाले कुछ भी बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको टीम अप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग को तगड़ी वाली शॉर्ट गन मिल जाएगा, वो अलग बात है कि दिस इज़ बिजनेस, वो आप लोगों को भी पता है। अब चलो यहाँ पे अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मैप में जाओगे तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कहीं भी दिखता है देखने को मिलेगा फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के ऊपर यहाँ पर एक अलग सा ग्लोबल का आइकन बना हुआ है। बट यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को स्नो देखने को मिलेगा, पूरा फैक्ट्री है स्नो ही है स्नो है। तो चलो यहाँ पर फटाक से चलते हैं फैक्ट्री पर, यहाँ पर स्नो फैक्ट्री के ऊपर भी स्नो है, तो यहाँ पर आपको फायर करना होगा, ब्रेक करना होगा तो ये टूट जाएगा। और इन लोगों ने और भी अलग अलग तरीके से यहाँ पे मैप को बनाया गया है। अभी देखो जहाँ पे ये पहले से यहाँ पे बना हुआ था रास्ता, उसको भी यहाँ पे इन लोगों ने स्नो से यहाँ पे कवर किया हुआ है, और स्नो यहाँ पे ब्रेकेबल है, मतलब यहाँ पे इसको आप तोड़ सकते हो। ठीक है, साथ में यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाता हूँ फिर भी आप देखना क्या होता है। इन लोगों ने यहाँ पे बीच बीच में स्नो रखा है, एंड जैसे आप स्नो को तोड़ दोगे सामने वाला बंदा इस साइड से उस साइड जाना ही मुश्किल हो जाएगा, आप इसको कभी भी ब्रेक कर सकते हो। ये इन लोगों ने चेंजिंग रखा है। अब देखो यहाँ पे अगेन चेंजिंग है, और यहाँ पे देखो मैं इसको अगर ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे ये भी ब्रेक हो जाता है, साथ में यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे ब्रेक करोगे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो अभी फायर करते हैं फिर पता चलेगा भाई क्या है। तो यहाँ पे जैसे हमने फायर किया यहाँ पे देखो भाई एकदम क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह का इन लोगों ने यहाँ पे हर जगह स्नो रखा गया है, खासकर यहाँ पे ये चीज़ फैक्ट्री पे देखा गया है, और यहाँ पे ये चेंजिंग है। एंड साथ में यहाँ पे रास्ता भी यहाँ पे ब्लॉक है स्नो से, हर जगह इन लोगों ने स्नो ही स्नो रखा है। तो चलो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है। अभी चलो बढ़ते हैं अपने अगले चेंजिंग की ओर, जो कि आप लोग को फ्री फायर में देखने को मिल जाएगा। देखो फ्री फायर में जैसे यहाँ पे गेम में जाओगे आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन क्या, यहाँ पे ड्रॉप मिलेगा। एंड उस ड्रॉप को जैसे ब्रेक करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड में आपको अलग अलग रिवॉर्ड है, सेम रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, अलग अलग रिवॉर्ड आप लोग को मिलेगा। कुल मिलाकर जो पहले होता था नॉर्मली उस तरह का रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करोगे इस वेपन का, तो इस वेपन का एम की बात करोगे तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि एक अलग सा ही वेपन, मतलब यहाँ पे एम है। तो एम में आप लोग का एक कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे सभी वेपन का एम बनाया गया या स्पेशल इस वेपन के लिए, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूँ स्पेशल इस वेपन का ही स्पेशल एम है, और साथ में डैमेज तो मैंने आपको बता दिया है। सो ये कुछ खास ऐसे चेंजिंग थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे और भी नई चेंजिंग निकल कर आएगा तो मैं आप लोग बताऊंगा, बट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। एंड यहाँ पे ये जो भी हो, अब जो भी मतलब चेंजिंग है वो अपडेट के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।